नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, करंट अफेयर की कड़ी में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। साथियों, हमारे सामने क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे निक्षय मित्र योजना का एम्बेसडर नियुक्त किया है? चार ऑप्शन है साथियों हमारे सामने, ए नीरज चोपड़ा, बी डॉक्टर दीपा मलिक, सी आरुषि श्रीवास्तव, डी डॉक्टर जितेंद्र सोनी। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र योजना जो है उसका एम्बेसडर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया दोस्तों? एम्बेसडर, जो किन्हें बनाया गया? डॉक्टर दीपा मलिक। आप देख पा रहे होंगे इमेज में, डॉक्टर दीपा मलिक है, ये पैरा एथलीट है। साथियों, क्या है? पैरा एथलीट है डॉक्टर दीपा मलिक। इसी के साथ में आप देख पा रहे होंगे नीरज जी चोपड़ा। नीरज जी चोपड़ा भाला फेंक, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। और कितना मीटर फेंका था? 87.56। कितना? 87.56 मीटर भाला फेंक के ये गोल्ड मेडल जीता था। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को। कब मनाते हैं दोस्तों? 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त के दिन नीरज जी चोपड़ा ने यह गोल्ड मेडल जीता था। और आपको बताऊं, निक्षय मित्र योजना का संबंधित दोस्तों वह बीमारी है जो टीवी, जानते होंगे आप टीवी बीमारी। टीवी उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखा है 2025 तक टीवी का उन्मूलन करना है। कितने भारतीयों को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया साथियों, जो भारत में दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। इसमें 128 जनों को, लगभग जो पहले कोरोना चल रहा था 2019-20 में, उस समय की भी पदक अब दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो 128 जनों को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, ए अब्देल फतेह अल सीसी, बी ऋषि सुनक, सी व्लादिमीर पुतिन, डी इमैनुअल मैक्रों। साथियों, 2023 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस है 2023 का, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया गया, जो कहां के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? ये इजिप्ट के, कहां के? इजिप्ट के हैं। इजिप्ट को आप मिस्र भी कह सकते हैं, इजिप्ट मिस्र के। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं दोस्तों, नील नदी का वरदान। आपको ध्यान होगा मेसोपोटामिया सभ्यता, यह भी मिस्र की है दोस्तों। मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट आइकॉन किसे चुना गया है? चार ऑप्शन है, ए सुरेश रैना, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी हार्दिक पांड्या, डी रोहित शर्मा। तो हाल ही में सुरेश रैना, आप इमेज में देख पा रहे होंगे सुरेश रैना जी को, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव ऑनर्स सर सुरेश रैना विद स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड। मालदीव देश ने हाल ही में स्पोर्ट आइकॉन सुरेश रैना को चुना है। उसी के साथ में हम देखेंगे नॉइस कंपनी, आप देख रहे होंगे नॉइस कंपनी की एक वॉच आती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को चुना गया है, ऋषभ पंत को। और ऋषभ पंत उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर है। कहां के हैं दोस्तों ऋषभ पंत? उत्तराखंड के। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित किया गया वह जिला है? चार ऑप्शन है साथियों हमारे सामने, ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर। तो दोस्तों, जयपुर के अंदर हाल ही में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 को स्थापित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो जयपुर के अंदर, ये देख पा रहे हो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एंड सोशल साइंसेज। अगला क्वेश्चन है, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया दोस्तों? चार ऑप्शन है, ए बांसवाड़ा, बी झालावाड़, सी उदयपुर, डी चित्तौड़गढ़। तो हाल ही में झालावाड़ के अंदर टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। मेवाड़ मगरा मैराथन का आयोजन किस जिले से किया गया? चार ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी चित्तौड़गढ़, डी राजसमंद। तो दोस्तों, भीलवाड़ा से हाल ही में मगरा मैराथन का आयोजन किया गया दोस्तों। मगरा क्षेत्र क्या होता है? मगरा एक कार्यक्रम भी होता है, मगरा कार्यक्रम, जो मगरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे बीएड कार्यक्रम होते हैं, बीएड क्षेत्र होते हैं अलवर, करौली, धौलपुर, वैसे ही मगरा कार्यक्रम होता है। तो मगरा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 2005 और 6 के अंदर।
आप देख पा रहे होंगे पांच जिले मगरा कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पाली जिला भी आता है। पहला आता है भीलवाड़ा, दूसरा अजमेर, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा राजसमंद और पांचवा पाली। पाली मगरा कार्यक्रम के अंतर्गत पाली आता है। ठीक है दोस्तों, सिटी पार्क ऑक्सीजन का निर्माण कहां किया जा रहा है? चार ऑप्शन है, ए कोटा, बी धौलपुर, सी सवाईमाधोपुर, डी झालावाड़। तो दोस्तों कोटा के अंदर एक ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये यहां पे लगभग हजारों पौधे एक जगह पे लगाए जाएंगे, जिन्हें काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा और उनके लिए उनकी जो सुरक्षा का कार्यक्रम है वो सरकार करेगी। और इसकी खास बात ये होगी दोस्तों, खास बात कि 4 किलोमीटर तक इन पेड़ पौधों से 4 किलोमीटर तक ऑक्सीजन जाएगी, लगभग 4 किलोमीटर तक ऑक्सीजन कवर करेगी और लगभग 8 किलोमीटर तक इन पेड़ पौधों के कारण टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। 4 किलोमीटर तक ऑक्सीजन का प्रभाव रहेगा और लगभग 8 किलोमीटर तक टेम्परेचर पे प्रभाव रहेगा इस ऑक्सीजन पार्क से। कहां बन रहा दोस्तों? ये कोटा के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संबंध किस विभाग से है? हमारे सामने चार विभाग है दोस्तों, ए महिला अधिकारिता विभाग, बी खेल विभाग, सी शिक्षा विभाग, डी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो इसका संबंध दोस्तों डायरेक्ट है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम से। तो उद्यम का नाम आ गया तो दोस्तों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मंत्री कौन है? तो दोस्तों मंत्री है शकुंतला रावत। कौन है दोस्तों? शकुंतला रावत। ये किस विधानसभा से है? ये बांसुर अलवर विधानसभा से। और आपसे पूछ ले खेल मंत्री कौन है? तो अशोक जी चांदना। आपसे पूछ ले शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो बीडी कल्ला बीकानेर। और अशोक चांदना जी कहां से हैं दोस्तों? हिंडोल। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया गया? चार ऑप्शन है, ए जवानपुरा जयपुर, बी ओलुंदा दौसा, सी कनाणा बाड़मेर, डी धानक्या जयपुर। तो दोस्तों जवानपुरा, नाम से ही जवान है तो इन्हें पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज का। तो जवानपुरा कहां है दोस्तों? जयपुर के अंदर। बाघ T-110 को रणथंभौर अभयारण्य से किस अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, ए मुकुंद्रा हिल्स, बी रामगढ़ विषधारी, सी अभयारण्य कुंभलगढ़ व डी कुन्नू राष्ट्रीय रिजर्व। साथियों हाल ही में रणथंभौर जो अपना राष्ट्रीय रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, वहां से मुकुंद्रा हिल्स में ट्रांसफर किया गया। कहां है दोस्तों मुकुंद्रा हिल्स? ये कोटा झालावाड़ सीमा पे स्थित है। कहां है? कोटा झालावाड़ सीमा पे स्थित है। और हमारे सामने एक और ऑप्शन है, कुन्नू राष्ट्रीय रिजर्व। कुन्नू राष्ट्रीय रिजर्व दोस्तों हाल में आपको पता होगा केंद्र सरकार द्वारा नामीबिया से चीते मंगाए गए हैं। कहां से मंगाए दोस्तों? नामीबिया से। ये इनको कहां पे ट्रांसफर किया है? कुन्नू राष्ट्रीय रिजर्व के अंदर। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आप देख पा रहे होंगे ये चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है दोस्तों राजस्थान का। कौन सा? चौथा। पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंद्रा और चौथा कौन सा बना है हाल ही में? रामगढ़ विषधारी। साथियों वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, ए बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी सांबर सॉल्ट मिल, सी कृष्णा वस्त्र मिल, डी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो साथियों हाल ही में बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है और बिरला की एक कॉलेज भी है जो है बीट्स पिलानी। कौन सी है दोस्तों? बीट्स पिलानी। ये कहां पे है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर। आपको बताऊं दोस्तों बीट्स पिलानी को अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो रैंकिंग जारी हुई है शिक्षा के अंतर्गत, उसमें 100 के अंदर अंदर राजस्थान की एकमात्र यूनिवर्सिटी है बीट्स पिलानी। और आप देख पा रहे होंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये दोस्तों अजमेर में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, हाल में ये बंद है। विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिला है? दोस्तों विद्युत मंत्रालय है REC राजस्थान का,
उसके अंतर्गत अभी दो दो जिलों को, जयपुर व जोधपुर को ए प्लस की ग्रेड मिली है साथियों, ए प्लस की ग्रेड मिली है, जिसमें आप देखेंगे जयपुर, अजमेर और जोधपुर, इनके पास में, जयपुर के पास में लगभग 12 जिले कवर होते हैं, अजमेर के पास में 11 और जोधपुर के पास में 10। ये तीन जिले लगभग पूरे राजस्थान को विद्युत सप्लाई करते हैं। हमारा सेशन इतना ही था दोस्तों, कैसा लगा आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।